जज वीडियो स्कैंडल केस का फैसला वेबसाइट पर जारी करने का फैसला सुना दिया। पहला इशू मुतालिका फोरम और अदालत, दूसरा वीडियो को बतौर सबूत पेश करने से मुतालिक है। तीसरा इशू वीडियो मुस्तनद होने की सूरत में मजाज फोरम का है। इशू था कि वीडियो मुस्तनद होने के नवाज शरीफ के केस पर क्या असरात होंगे। साबिक जज अरशद मलिक के कंडक्ट को भी फैसले में बयान किया गया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। आमदन से जायद असासाजात केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में एक बजे तलबी। नैब ने यूथ फेस्टिवल करप्शन केस में आज राना मशहूद को तलब कर रखा है। नैब का चौधरी शुक्र मिल्स केस में नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेल सुपरिंटेंडेंट ने नैब का सवालनामा साबिक वजीर आजम को पहुंचा दिया। टीटीस नवाज शरीफ के अकाउंट्स में भी गई। मकबूजा कश्मीर में 19 रोज से कर्फ्यू बरकरार। खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर आज कश्मीरी एहतजाज करेंगे। नमाज जुमे के बाद श्रीनगर में अकवाम मुतहदा दफ्तर की तरफ मार्च किया जाएगा। अकवाम मुतहदा का मकबूजा कश्मीर में जराए इब्लाग पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ बगैर जुर्म कश्मीरियों के लिए इज्तिमाई सजा है। फ्रांसीसी सदर का भारत पर मसला कश्मीर हल करने पर जोर। कहा भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल तलाश करें। चंद रोज में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करूंगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की करीबी आबादी के मफाद रकू को भी यकीनी बनाना होगा। व्हाइट हाउस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। दोनों मुल्क कहेंगे तो सालिसी करेंगे। अमेरिका मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले के खत्ते पर असरात होंगे। सफाकी कत्ल हजूम का तशद्दुद, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी है। मोदी के दौर में दुनिया भारत की हिंदू तालिबानाइजेशन देख रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कश्मीरी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का तहिया कर चुके हैं और पाकिस्तान कश्मीरियों की पुश पर खड़ा है। दरियाए सतलुज में भारत की जानी से छोड़े गए सैलाबी रेले के बाइस पाकपतन में निचले दर्जे का सैलाब। पाकपतन और बहावल नगर को मिलाने वाले ब्रिज के हिफाजती बंद में कटाव। दोनों शहरों में जमीनी रास्ता मुनकता होने का खदशा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल पांचवें रोज भी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 32,092 की सतह पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अराकीन की तकरूरी गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार होना चाहिए। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी को नजरअंदाज करने का रवैया बरकरार रखा। अरकान की अकतरफा तकरूरी आईन की खिलाफ वर्जी है। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।